अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद नून में आप सभी का खैर मकदम है। हाल ही में रियासती वजीर प्रियांक खरगे ने किसी तरीके की मॉरल पॉलिसिंग न होने की बात कही थी, लिहाजा आज भी किस तरह बजरंग दल आरएसएस बेखौफ है इसका एहसास बागलकोट जिले के बादामी कस्बे में नजर आया। हासिल इत्तला के मुताबिक बकरीद के वक्त मुस्लिम समाज अपने कुर्बानी के फराइज अंजाम दे रहा था, लिहाजा बादामी के जयनगर जाने वाली सड़क पर बगीचे में इज्तमाही कुर्बानी का एहतमाम किया गया था। इस वक्त 40 से ज्यादा हिंदुत्व तंजीमों के अफरादों ने वहां घुसकर हंगामा बरपा किया और भद्दी गालियां बकने लगे। डर के मारे मुस्लिम नौजवान वहां से भाग गए, लेकिन कुछ बेगुनाहों को पकड़कर मारा पीटा गया। एक बेगुनाह को तो पकड़कर बजरंग दल के गुंडों ने दरख्त से बांध कर पीटा। अब हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से दावा किया जा रहा है कि यहाँ गो हत्या की गई है, लेकिन कुछ गांव वालों का कहना है कि भैंस और कुछ बैल वहां थे। खैर, अगर गो हत्या का शक था तो पुलिस इंतजामिया महकमा शहर में मौजूद है, वहां घुसकर कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी। यह वही हलका है जहां से वजीर आला सिद्धरामैया चुनाव लड़ चुके हैं। हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया, बाजार को भी बंद कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि जब हुकूमत कांग्रेस की है तो कानून को हाथ में लेकर बेरहमी से पीटा कैसे जाता है। अगर वाकई उस जगह पर जुर्म हुआ है तो कानून है पुलिस थाना अदालत सब कुछ तो है। क्या अब भी भाजपा की हुकूमत की तरह ये हिंदुत्व तंजीमें बेखौफ होकर सड़कों पर दंदना रही है? हिंदुत्व तंजीमें अब भी मॉरल पॉलिसिंग से आखिर बाज क्यों नहीं आ रही? आवाम का कहना है कि जल्द कार्रवाई करें, जो भी मुजरिम पाया जाता है, भले इस समाज का हो या उस समाज का, जो भी मुजरिम पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल माहौल में तनाव है और तकरीबन 4 अफरादों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। एसपी जयप्रकाश इस वारदात की मुकम्मल तफ्तीश कर रहे हैं। इन तमाम के बीच सवाल तो मॉरल पुलिसिंग का है, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर किसी भी दल या सेना का नाम लेकर शहर के अमन को खराब करने वालों पर कार्रवाई होगी, इसी रियासती वजीर प्रियांक खरगे ने पुलिस अफसरान की मीटिंग में बात कही थी। क्या वाकई इन पर कार्रवाई होगी? इस सवाल का जवाब अभी मिलना है। वही दूसरी तरफ हुबली में महज भाजपा हुकूमत के दौरान 150 नौजवान आज भी जेलों में यूएपीए के तहत बंद है। अगर कार्रवाई हो रही है तो एक तरफा क्यों? लिहाजा उम्मीद यही की जा रही है कि जिन लोगों ने भी सड़क पर आकर एहतजाज किया या फिर दुकानों को बंद करने की कोशिश की, सड़कों पर टायर जलाए और बेगुनाहों को मारने पीटने की कोशिश की, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यूएपीए लगाकर इन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, ऐसी मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। पर क्या कार्रवाई होगी, इसी का इंतजार आने वाले वक्त में होगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ಅಲ್ಲ ದನ ದನ ತಿಂದ್ರೆ ಆಟ ಮೈ ಇದಾಗ ತಿನ್ನುವ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಬೇರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಾ ಹಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಈ ರಂಡಿ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೈತರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ರೈತರಾಗಿ ಹೆಂಗ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ತರನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರ್ತಾರೋ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ।
जानवरों को लेकर बकरीद के वक्त कई सारे समाज के लोगों को बड़ी हमदर्दी जाग उठती है, पर देखने में आता है कि इसके पीछे महज मजहबी अख्तलाफ फैलाने के और कुछ नहीं रखता। लिहाजा आजम नगर में पिछले 3 दिन से गटर में फंसी एक भैंस को मुस्लिम नौजवानों ने वहां से उसे निकाला, जबकि ये काम म्यूनसिपालिटी का कारपोरेशन का होना चाहिए और वहां पर दीगर मजाहिब के भी लोग हैं, लेकिन किसी को इसकी परवाह वहां पर नजर नहीं आई। आखिर में मुस्लिम नौजवानों ने आगे बढ़कर इस भैंस को जो पिछले 3 दिन से फंसी हुई थी उसे निकाला। आइए देखते हैं कुछ उसके मनाजिर।